मिट्टी के बर्तन हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पर पहली बार बर्तनों को किस तरह से इस्तेमाल करें और उसमें खाना किस तरह से बनाएं, इन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिट्टी के बर्तनों को क्लीन कैसे किया जाता है, उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिट्टी के बर्तनों को क्लीन करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए और क्या नहीं। मिट्टी के बर्तन सारी चीज़ों को सोख लेता है, तो इस चीज़ों को बिल्कुल ही इस्तेमाल करना नहीं है जिससे कि हमारी मिट्टी के बर्तन जो है वो ख़राब हो जाए। किसी भी तरह का डिश वॉश लिक्विड हो या सोप हो, उस चीज़ का हमें बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना है, इससे हमारे पोर्ट यूजलेस हो जाएंगे, तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें। और ऐसे स्क्रब तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें कि जो अंदर से मिट्टी के बर्तनों को स्क्रैचेस आ जाए और ये मिट्टी के बर्तन जो है वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाए। तो इन बर्तनों को क्लीन करने के लिए हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिनका हम खाने में उपयोग में लेते हैं, और वही स्क्रब यूज़ करेंगे जो बिल्कुल ही हमारे बर्तनों को हार्म ना करे। ये एकदम से सॉफ्ट आता है जो अंदर से अच्छे से क्लीन तो करता है पर इसे हार्म नहीं करता है। अगर ये वाला स्क्रब ना हो तो आपके पास ये वाला स्क्रब हो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी ना हो तो आप स्पंज का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इन्हीं चीज़ों का यूज़ करें जो मिट्टी के बर्तनों को बिल्कुल ही हार्म ना करे, इनसे कोई नुकसान ना हो। तो इस मिट्टी के बर्तनों को आप अपने किचन में रहे कोई भी आटे से क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने गेहूं का आटा है, बेसन है, उससे आप मिट्टी के बर्तनों में कुछ भी ऑयली खाना बनाओ या चिकनाहट हो तो आप इससे क्लीन कर सकते हैं। पर अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो मिट्टी के बर्तनों में चिपक जाती है, जैसे कि दाल हो, दूध हो, इन सब चीज़ों को अगर उबालने के बाद मिट्टी के बर्तन में साइड में चिपक जाता है, तो उसे आप ढोकले का आटा है यहाँ पर, चावल का आटा या फिर नमक, ये जो हल्का सा दर दरा रहता है इसकी वजह से मिट्टी का बर्तन जो है वो क्लीन हो जाता है। तो आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चावल के आटे। तो कब हमें दर दरा आटा या नमक यूज़ करना है और कब हमें नॉर्मल आटा, जैसे कि किसी भी आटे से भी क्लीन होता है, तो इसका इस्तेमाल किस तरह से और कब करना है वो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। मिट्टी के बर्तनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे बर्तनों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। जिस मेथड से मिट्टी के बर्तन में खाना बनता है, न्यूट्रिशंस वैल्यू 100% रहती है, वो है इसके अंदर के पोर्शंस। तो इस पोर्शंस को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए और इतना सॉफ्ट स्क्रब यूज़ करना चाहिए कि हमारा बर्तन जो है वो लंबे समय तक हम यूज़ करें। अगर अंदर से ख़राब हो गया तो ये यूज़लेस हो जाएगा। तो अब बर्तन को क्लीन करने के लिए क्या इस्तेमाल करें और क्या ना करें ये हमने देख लिया है, पर किस तरह से करें ये अब हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने मिट्टी के बर्तन के अंदर दूध गर्म किया था, तो अब इस बर्तन को किस तरह से क्लीन करना है। सबसे पहले तो हमें सॉफ्ट वाला स्क्रब लेना है और बहते पानी में ही बर्तन को धोना है। दूध के बर्तन को ढककर रखा था पर उसमें दूध कहीं पर भी लगा नहीं था, तो इस ढक्कन को हम सिर्फ पानी से ही क्लीन करेंगे। मिट्टी के बर्तन ऐसे रहते हैं जो सिर्फ पानी से भी क्लीन हो जाते हैं, पर अगर इसके अंदर कुछ चिपक गया है या ऐसा कुछ हुआ है तो ही हमें आटे का या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर दूध के बर्तन में साइड में जो थोड़ा सा लग गया है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सॉफ्ट स्क्रब और चावल के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, और हल्के हाथों से इस तरह से रब करेंगे तो इसके अंदर जो भी लगा हुआ है वो निकल जाएगा। पर अगर ये नहीं निकल रहा है तो आप इसमें पानी भरकर एक आध घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद क्लीन करेंगे तो भी ये क्लीन हो जाएगा। तो देखा आपने, अगर कुछ भी साइड में चिपक गया हो तो आप दरदरा आटा या नमक लेने से ये बर्तन जो है वो बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है। तो इसे हमें धोकर साइड में ले लेना है और एक सूखे कॉटन के कपड़े के ऊपर इसे रख देना है, या फिर अगर घर में कहीं पर भी धूप आ रही हो तो आप धूप के अंदर भी एक आध घंटे के लिए रख देंगे तो ये बर्तन जो है हमारा क्लीन हो जाए। अभी जो क्लीन किया वो दूध का बर्तन था जिसमें साइड में बहुत ही कम चिपका हुआ था, पर उसमें हमने आटे का यूज़ किया पर इसमें बहुत कुछ चिपक गया था, तो इसे निकालने के लिए सिर्फ सिलिकॉन का स्पून का ही इस्तेमाल करें, स्टील के स्पून का इस्तेमाल ना करें। और इसे पानी भरकर एक दो घंटे के लिए रख दिया था ताकि जो भी अंदर का है वो
सब भीग कर अच्छे से निकल जाए। तो जो भी अंदर का खाना चिपका हुआ था वो सब मैंने भिगो कर रख दिया था, उसकी वजह से निकल गया। और मैंने सिलिकॉन स्पून का यूज़ करके निकाला, और अब जो भी बचा हुआ है उसमें सिर्फ पानी से पहले मैं सॉफ्ट स्क्रब से ही इसे इस तरह से निकालूंगी, और ये बर्तन जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। तो मिट्टी के बर्तनों की खास बात ये है कि ये सिर्फ पानी से भी क्लीन हो जाता है। अगर आपने इन बर्तनों में ऑयली खाना नहीं बनाया है तो आप इस बर्तनों को सिर्फ पानी से भी क्लीन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे का खिचू बनाया था, तो मैंने भिगो कर रख दिया था, फिर मैंने सिलिकॉन की स्पून का यूज़ करके साइड में से जो भी था वो निकाल दिया, और अब सिर्फ पानी से और स्क्रब से मैंने इसे क्लीन किया है। तो ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। इसे भी हमें कॉटन के कपड़े के ऊपर सुखाने के लिए रख देना है। तो आपने देखा कि जिन बर्तनों में ऑयल नहीं डालते हैं वो सिर्फ पानी से भी क्लीन हो जाते। तो अब मैं ये वाला बर्तन ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने सब्जी बनाई थी। जो हमने ऑयली खाना बनाया था तो उसे पहले पानी से भर ले, और उसके अंदर का जो भी लगा हुआ फूड था वो सब निकाल देना है। फिर उसे पानी से भर देना है, और ढक्कन के अंदर भी जो खाना था वो लग गया है और सूख भी गया है। तो एक बार ज़रूर देख लेना है कि ये ढक्कन जो है वो भी भीगना चाहिए, तो पानी थोड़ा और डाल दे और ढक्कन ढकने ये भी हमें साइड में रख देना है। और जब हमारा सिंक खाली हो जाए, अंदर के जो भी बर्तन है वो सब धोकर निकल जाए, उसके बाद ही हमें मिट्टी के बर्तन को धोना है। तो जब सिंक खाली हो जाए तो हमने जो भिगो कर रख दिया था ऑयल वाला बर्तन है, जिसको हमने पहले ही पानी से निकाल दिया था सारा खाना, और अब आप देख सकते हो कि ये ढक्कन के अंदर जो भी लगा था वो भी भीग गया है। तो अब हम इसे पानी से क्लीन कर लेते हैं पहले। तो मिट्टी के बर्तनों का थोड़ा सा तो हमें ख्याल रखना है कि जब सिंक में सारे बर्तन हो तभी उसके साथ कभी ना रखे, क्योंकि कहीं पर भी वो टकरा गया तो टूटने के चांसेस रहते हो। तो तब तक हमें इसमें पानी डालकर साइड में रख देना है, और बाकी के सारे बर्तन निकालने के बाद ही इसे क्लीन करना है। और इसमें हमने ऑयली खाना बनाया है, यानी कि सब्जी बनाई थी। तो पहले हमें जो भी अंदर का रहेगा वो एक दो बार पानी डालकर उसे क्लीन कर लेना है। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा आटा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं गेहूं का आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ भी चिपका हुआ नहीं है जो हमें थोड़ा सा भी रब करके निकालना पड़े। तो ये सिर्फ ऑयली खाना है, तो गेहूं के आटे या बेसन किसी से भी आप क्लीन कर सकते हो। बस इसमें आटा डालकर हल्का सा रब कर ले तो ये बर्तन जो है वो बहुत ही जल्दी से क्लीन हो जाता है। और इन बर्तनों में हम लंबे समय से खाना बना रहे हैं तो ये पीछे से या अंदर से काला भी हो जाता है। तो इस कालेपन को निकालने के लिए कभी भी स्क्रब का इस्तेमाल ना करें, इससे हमारा बर्तन जो है वो घिस जाएगा, ख़राब हो जाएगा और यूज़लेस हो जाएगा। तो ऐसी गलती कभी ना करें, कालापन निकालने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल ना करें। तो मिट्टी के बर्तनों को धोते समय इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखें कि जब भी सिंक के अंदर बहुत सारे बर्तन हो तभी हमें कभी भी मिट्टी के बर्तन को अंदर नहीं रखना चाहिए, उससे कहीं पर भी टकरा कर टूटने के चांसेस रहते हैं। और जब भी बर्तन अगर सालों से यूज़ कर रहे हो और अगर काला हो गया है तो उसे निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बर्तन में किसी भी तरह का हमें हार्ड स्क्रब यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बर्तनों को हमेशा बहते पानी में ही धोना चाहिए। और जिन बर्तनों के अंदर हमने खाना तो पकाया है पर ना तो चिपका है ना ही तो जला है, ऐसा कुछ भी ना हो, तब हमें दरदरे आटे या नमक का भी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। कोई भी सादा सा, मतलब गेहूं का आटा, बेसन का आटा, इससे भी तेल की चिकनाहट जो है वो तुरंत ही निकल जाती है। और इसे अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से क्लीन करने से ये बर्तन जो है वो क्लीन हो जाता है। तो इसे भी हमें कॉटन के कपड़े के ऊपर 2-3 घंटे के लिए रख देना है, या फिर अगर घर में धूप आ रही हो तो आपको इसे धूप में सुखा देना चाहिए। और अब देख लेते हैं कि मिट्टी की हांडी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्लीन कैसे करें। इस हांडी के अंदर हम कुछ भी बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पुदीने का पानी भी बनाती हूँ, गुड़ का शरबत भी बनाती हूँ, दही, छाछ, सब कुछ मैं इसके अंदर बनाती हूँ। तो ये हांडी जो है वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमें क्या करना है कि उसे पहले साफ पानी से क्लीन करना है, फिर उसमें पानी भरकर
2-3 घंटे के लिए रख देना है। फिर वही हमें रिपीट करना है कि पानी को निकालना है, फिर से पानी भरना है और इसे 2-3 घंटे के लिए रख देना है। ऐसा हमें कम से कम 3 से 4 बार करना है ताकि जो भी इसके अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ रहेगा वो सारी चीज़ें जो है वो पानी के थ्रू ये बाहर निकल आएगी। और फिर आप इसे सिर्फ गेहूँ के आटे या बेसन से क्लीन कर लो तो ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। पर हाँ, इसे 2-3 बार पानी भरकर रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। और जब सारी चीज़ें इसके अंदर से बाहर निकल आएगी तो ये हांडी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। और जब भी मिट्टी के बर्तनों को आप क्लीन करके रखें तो इस बात का भी जरूर से ध्यान रखें, जिस तरह से सिंक भरी हुई हो तभी हम मिट्टी के बर्तनों को धोने के लिए नहीं रख सकते, बिल्कुल उसी तरह से सारे बर्तन हम जिस क्लीन में रखते हैं उसमें भी मिट्टी के बर्तनों को धोकर कभी भी रखना नहीं चाहिए, उससे भी हमारे बर्तन टूटने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा मिट्टी के बर्तनों को अलग से ही रखें। तो मिट्टी के बर्तनों का क्लीन करते समय इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। चाहे आप इसे धूप में सुखाओ या इस तरह से आप 4-5 घंटे के लिए रख दो, पर इसका अच्छी तरह से सूखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कुछ दिनों तक यूज़ नहीं किया तो इसमें फंगस आ सकती है। तो जब भी आप फिर से यूज़ करें इसको एक बार जरूर से चेक कर ले, ये अच्छी तरह से क्लीन कर ले, उसके बाद ही इसका फिर से इस्तेमाल करें। और अब ये मिट्टी के बर्तन जो है वो फिर से यूज़ करने के लिए तैयार हैं। मिट्टी के बर्तनों को अगर पहली बार इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से करना चाहिए उसकी लिंक, वीडियो की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसमें खाना किस तरह से बनाते उसकी वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और भी कोई अगर आपके पास सवाल हो या और कुछ जानना चाहते हो मिट्टी के बर्तनों के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।